हेलो स्टूडेंट, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है वो है चैप्टर 2, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जो फर्स्ट पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो लगभग हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने टॉर्क, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करी थी लास्ट क्लास में, पोटेंशियल फाइंड करा है, पोटेंशियल यूनिट डाइपोल फाइंड किया था। आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे, देखो हमें जो सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का वो कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटेंस को पढ़ने के लिए पहले हमें कुछ बिहेवियर पता होना चाहिए कंडक्टर के, क्योंकि जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो जो कैपेसिटेंस होता है वो मेटलिक कंडक्टर का या फिर मेटलिक प्लेट का बनता है, ठीक है। तो जब तक हमें उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ओके, तो तब तक कैपेसिटेंस का कंसेप्ट हमें नहीं आ पाएगा ठीक से। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आज का टॉपिक पूरा कैपेसिटेंस को, वो क्या है, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यानी कि अगर मैं किसी कंडक्टर को, मेटल को अगर किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रखता हूँ तो क्या क्या प्रॉपर्टी उसकी फॉलो होगी, किस तरह का उसका बिहेवियर होगा, वो किस तरह से वहां पर रिस्पॉन्ड करेगा टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो सब टॉपिक, वो सब चीजें आज की क्लास में कवर होंगी। शुरू करते हैं। तो बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ कंडक्टर क्या है। कंडक्टर है बेटा एक ऐसी बॉडी जिसमें फ्री चार्ज कैरियर हो या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। जैसे कि इंसुलेटर और कंडक्टर की बात करें हम, तो इंसुलेटर में फ्री चार्ज कैरियर नहीं होते, हालांकि दोनों में चार्ज तो रहते हैं, ठीक है, लेकिन कंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर होते हैं जिसकी वजह से वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी रखता है। तो जब एक कंडक्टर किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में होगा तो क्या होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट देखो, अगर मान लीजिए मैं किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ, सपोज करो मेरे पास ये है, यहाँ पर ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, मान लो कि मेरे पास दो प्लेट है, इसकी हेल्प से मैं किसी एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस करवा रहा हूँ। और मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने बीच में एक मेटल प्लेट रख दी है, ठीक है, ये क्या है, मेटल। अब मेटल में तो फ्री चार्ज कैरियर है, तो वो किस तरह का उसका बिहेवियर होगा मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको हेडिंग बता देता हूँ इसकी क्या है। देखो यहाँ पर एक मेटल रखा हुआ है, यहाँ पर प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, ये जो बाहर प्लेट रखी हुई है बेटा, इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इन निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल, वो किस डायरेक्शन में होगी, ये मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ, ई एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस प्लेट, जिसकी वजह से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करवाना चाह रहा हूँ, मेटल बीच में रखा हुआ है। तो होता यह है, क्योंकि इस मेटल के पास फ्री चार्ज कैरियर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो होगा ये कंसेप्ट हमने बहुत बेसिक पढ़ा हुआ है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो, ठीक है, तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। यानी कि मान लो शुरुआत में इस कंडक्टर में इस तरह से चार्ज कैरियर कहीं भी रेंडमली पड़े हुए हैं, ठीक है, रेंडमली रह सकते हैं नेगेटिव, तो होगा ये कि आफ्टर अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फील्ड, ये जो चार्ज कैरियर होंगे इनमें मूवमेंट होगी, क्योंकि इनमें फोर्स लगेगी, F equal to QE, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, F equal to QE का, तो मूवमेंट होगी, उसके वजह से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर मूव कर रही है, मतलब बाहर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर उसकी डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वो किस तरह से होगा, देखो निगेटिव सारे चार्ज जो है वो इधर आ जाएंगे, क्योंकि इट मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव चार्ज से इधर आ गए इलेक्ट्रॉन, और जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं बेटा मेटल में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पर जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगी, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इधर आ जाएंगे सारे इधर, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। तो होगा ये बेटा, ये मूवमेंट तब तक होती है, अब देखो ये मूवमेंट तब तक होती है जब तक जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो जब यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में सारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आ गए और एक ही डायरेक्शन में सारे निगेटिव चार्ज पार्टिकल आ गए, तो एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर हमारी अपोजिट डायरेक्शन में
एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है, ई इंटरनल, ठीक है। क्यों? जैसे यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर भी तो जो पॉजिटिव चार्ज सारे इधर आ गए, ये क्या है? ये इंडक्शन की वजह से हुआ है, ड्यू टू इंडक्शन, ये इंड्यूस चार्ज कहलाएंगे, इंड्यूस चार्ज है, ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंड्यूस हुए। तो इंटरनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल की अपोजिट डायरेक्शन में है, और बेटा जो चार्ज की मूवमेंट होती है तब तक होती है जब तक एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल फील्ड के बराबर ना हो जाए, यानी कि ये कब तक मूवमेंट होगी, जब तक एक्सटर्नल फील्ड जो इंटरनल फील्ड है ड्यू टू इंड्यूस चार्ज उसके बराबर ना हो जाए, ठीक है। अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ई एक्सटर्नल जो है वो माइनस, यहाँ पे मैं माइनस साइन अगर लगा दूं, माइनस ई इंटरनल क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं ये देखूं कि टोटल फील्ड कितनी हो गई, टोटल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, टोटल फील्ड इनसाइड द कंडक्टर होगा कितना, ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल, ओके। लेकिन ई एक्सटर्नल किसके बराबर है, माइनस ई इंटरनल के प्लस ई इंटरनल। तो देखो जितना माइनस उतना प्लस, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, जीरो। इसका मतलब यह है, फर्स्ट पॉइंट मेरा यहां से क्लियर हो गया बेटा, कि जो नेट फील्ड होगी इनसाइड अ कंडक्टर इट विल बी जीरो। मैं सिर्फ जस्ट फील्ड वर्ड नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल बी जीरो। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर लिखूं तो हम किस तरह से इसको लिखते हैं वो आप ध्यान देना। नो नेट फील्ड विल बी देयर, विल बी देयर इन इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर, या फिर इसको मैं ऐसे बोल रहा हूं ई इंटरनल, मतलब इंटरनल तो नहीं कह सकते, ई नेट विल बी इक्वल टू जीरो इन साइड द कंडक्टर। नो नेट फील्ड विल बी देयर इंटीरियर इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। तो एक कंडक्टर को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूं तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको नोट डाउन करो, फिर हम सेकंड पॉइंट पे चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? कभी भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और अगर उससे इलेक्ट्रिक लाइन पास हो रही है तो वो फिगर गलत माना जाएगा। मतलब सपोज करो एमसीक्यू में क्वेश्चन है, दो तीन फिगर आपको दे रखे, चार फिगर दे रखे, किसी में दिखा रखे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर नहीं और किसी में दिखा रखे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जा रहे हैं। मान लीजिए ये फिगर है और एक फिगर ये है, ठीक है, तो कौन सा फिगर करेक्ट होगा, ये वाला। हालांकि इसमें एक 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाएगा, ये भी मैं पॉइंट बताऊंगा। तो ये वाला फिगर ठीक होगा, ये वाला नहीं, अगर ये मेटल है तो या कंडक्टर है तो, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर जाएगी नहीं। तो इसलिए इस तरह के टॉपिक भी एक तरह आईटी में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, आपको चार फिगर दिए हुए थे क्वेश्चन में और आपको सही फिगर सेलेक्ट करना था। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट पे चलता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा कि कोई भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। सेकंड पॉइंट देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इनसाइड द कंडक्टर तो गॉस लॉ से कुछ याद आ रहा है आपको? गॉस लॉ क्या कहता है पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू ई डॉट डीएस और इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ गया, ई नेट हमारा जीरो आ गया इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितनी है, जीरो, ठीक है। ये हमारा अब हम सेकंड पॉइंट करने जा रहे हैं, सेकंड पॉइंट की स्टेटमेंट मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं समझाऊंगा। और एक चीज और है, जब मैं इस टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूँ तो मैं ऐसा नहीं कि रैंडमली बता रहा हूँ, एक टॉपिक मैंने पकड़ा, एक लाइन मैंने पकड़ी, उसी से मैं सारे फर्दर पॉइंट आपको क्लियर करवाते जाऊंगा, यानी कंसेप्ट समझाऊंगा रटकर निर्माण में आपको, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया तो देखो आप बड़ी से बड़ी चीजें याद रख सकते हो, लेकिन अगर ये कि आपको कंसेप्ट नहीं आया और आप याद करने की कोशिश करो याद हो जाएगा, भूल जाओगे। तो कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट अगर आ गया वो इम्पोर्टेंट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो, ये हमें समझ में आया। अब देखो गॉस लॉ क्या कहता है, फाइ इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट बी एस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखो कंडक्टर में कुछ ना कुछ चार्ज तो रहता ही है, ऐसा तो नहीं है कि भाई कंडक्टर में चार्ज ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वर्ड ध्यान देना
कि नेट चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। मैंने बोला नेट चार्ज, ठीक है, कैसे क्यों? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू जीरो कर दूं तो ये क्यू बाय एप्सिलॉन और टर्म्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है इफ, लेकिन ये कौन सी, इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस इक्वेशन से क्या इंप्लाइज करेगा, एप्सिलॉन तो जीरो नहीं हो सकता, जो चार्ज होगा दैट विल बी जीरो, जो टोटल चार्ज होगा या नेट चार्ज होगा इनसाइड द कंडक्टर दैट विल बी जीरो। तो सेकंड पॉइंट हमारा आ गया द नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, ठीक है। और आप इस जीरो का मतलब ये मत समझ रहे कि उसमें चार्ज नहीं है, कहने का मतलब ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो नेट चार्ज एज अ होल विल बी इक्वल टू जीरो। तो सेकंड पॉइंट समझ में आया कि नेट चार्ज जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी तो चार्ज भी हमारा जीरो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, ये मेटल की बात है बेटा, कंडक्टर मेटल की बात है। तो दो पॉइंट हमारे हो गए, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया है, ओके, और चार्ज हमारा नेट इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है इनसाइड द कंडक्टर, मैंने बोला कि इनसाइड द कंडक्टर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो होती है, ठीक है। और एक रिलेशन मैंने आपको बताया था E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डीआर। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब कि पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो आ रहा है, इसका इंप्लाइज क्या होगा, इट इंप्लाइज दैट पोटेंशियल इज कांस्टेंट, ठीक है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर जीरो थी, इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर। अब इनसाइड द कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होगा कांस्टेंट, यानी कि ऑन द सरफेस एंड इनसाइड अ मेटलिक कंडक्टर या कंडक्टर और मेटल द पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। तो थर्ड पॉइंट की स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये इसकी स्टेटमेंट होगी। देखो मैं पहले स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं उस चीज का रीजन बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होगा, तब मैंने स्टेटमेंट बताई है। अगर मैं पहले स्टेटमेंट बता दूँ तो आपको हो सकता है कि आपको लगे कि ये तो कंसेप्ट नहीं बता जा रहा है, तो कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको याद करनी नहीं है चीजें, आपको समझनी है। मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इनसाइड द कंडक्टर तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, उसकी स्टेटमेंट है द पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तीन पॉइंट हो गए, पहले पॉइंट से मैं थर्ड पॉइंट पर आ गया। पहले पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, उससे मैंने प्रूफ करा चार्ज भी जीरो होगा, उससे मैंने प्रूफ करा पोटेंशियल भी कांस्टेंट होगा, जीरो नहीं होगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और, पोटेंशियल कांस्टेंट, कुछ समझ में आ रहा है पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब, पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, दो पॉइंट का जीरो। और इस तरह के सरफेस को कुछ नाम दिया जाता है, क्या नाम होता है सोचो जरा, जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो जो मेटल होगा हमारा, मेटल पोटेंशियल तो कांस्टेंट है तो मेटल विल बिहेव एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे बताना था कि अगर हमने एक मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है तो उसका जो सरफेस होगा इट विल बिहेव एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने आपको बताया था, एक ऐसा सरफेस जहां पर किसी भी दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो या दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, तो ऐसे सरफेस को बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहां से एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि अगर मेटल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम रख रहे हैं ये बाहर से अप्लाई की जा रही है कंडक्टर पर, ठीक है, तो जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा, तो मेटल विल बिहेव एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है।
तीन पॉइंट हो गए। हालांकि इसको हम डिफरेंट पॉइंट में भी कंसीडर कर सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, लेकिन पॉइंट तो यहीं से क्लियर हो गया तो मैं इसको नेक्स्ट अलग पॉइंट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर सुना, पोटेंशियल कॉन्स्टेंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, नेट चार्ज जीरो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब आगे बात करते हैं, तीन पॉइंट हमारे हो गए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फोर्थ। तो ये चीज जो मैं फोर्थ पॉइंट बताने जा रहा हूँ वो मैंने आपको बताया था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मेटल से पास हो रही हो तो वो सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए पास होगी, ठीक है। यानी कि फोर्थ पॉइंट है हमारा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस ऑफ कंडक्टर, आर परपेंडिकुलर टू ईच, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर है तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरह से पास नहीं होगी, ये रिप्रेजेंटेशन करने का गलत तरीका है, इस तरह से नहीं होगी, वो उस सरफेस पे हमेशा नॉर्मल होगी, ठीक है। मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी विद द सरफेस। और एक चीज और देखो, मैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ भी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमें फर्स्ट पॉइंट से पता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी नहीं अंदर, तो होगी तो सरफेस पर लेकिन वो नॉर्मल होगी, ठीक है। ये इस तरह से बिल्कुल नहीं हो सकती कोई रैंडम एंगल बनाते हुए, इट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस ऑफ कंडक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे डिपेंड आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको फिगर दे दिया जाएगा, बताओ कौन सा फिगर ठीक है, ठीक है। तो वहां पर ये सब पॉइंट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, परपेंडिकुलर रहेंगे कौन कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर हम किसी एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज ऑन द सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा होता है, और उसका रेशियो क्या होता है, सिग्मा किसका रेशियो होता है, चार्ज अपॉन एरिया का, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, क्यों होगा वो मैं रीजन आपको बताऊंगा, नेक्स्ट पॉइंट है दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, सरफेस पर मैंने जीरो नहीं बोला, मैंने इनसाइड ऑफ जीरो बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके। सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्यों होगा वो मेरी जिम्मेदारी चल रहा है, ठीक है। तो देखो, मान लो मैं एक कंडक्टर को यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है, ठीक है, और इस पे मैंने कुछ चार्ज दे दिया क्यू, ऑन द सरफेस रहेगा हमेशा, ठीक है, चार्ज होगा ऑन द सरफेस है। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, अगर मैं मान लीजिए हमने एक डेरिवेशन किया हुआ है, सपोज मैंने एक स्फेरिकल सेल ली और उस पर चार्ज रख दिया क्यू, ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आया था, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू अपॉन 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि क्यू अपॉन 4πr² मतलब कि चार्ज अपॉन एरिया हो गया, एरिया 4πr² चार्ज, तो चार्ज अपॉन एरिया को हम क्या ले सकते हैं, सिग्मा। तो फॉर्मूला क्या है, ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट तो कॉन्स्टेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। तो ये कौन था, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी, टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इस तरह से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, दैट इज ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। और ऐसा नहीं कि इस तरीके से, अगर मान लो तो इस तरह की कोई रैंडम बॉडी है उस पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो
इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई होगी नियर द सरफेस, ओके इनसाइड तो जीरो होगी, क्या नियर द सरफेस ई विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, अब तक रिवाइज करवा लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो, चार्ज इनसाइड जीरो, द पोटेंशियल इनसाइड एंड ऑन द सरफेस इज कॉन्स्टेंट, इट विल बिहेव एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। और अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड करेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो है इनसाइड द कंडक्टर, तो होगा ये कि जो भी चार्ज होगा, ओके नेट तो जीरो है सरफेस ऑन द इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस या इनसाइड द मेटल जो नेट चार्ज है वो तो जीरो है, तो जितना भी चार्ज होगा वो सारा सारा सरफेस पर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, द चार्ज रिसाइड्स, मतलब ये रहता है रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कहाँ रहता है चार्ज, उसके सरफेस पर रहेगा, ठीक है, अंदर नहीं रहेगा, जो भी चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज भी होगा तो वो ऑन द सरफेस उस पर मूव करके आ जाएगा, मूवमेंट होगी चार्ज का, वो कहाँ पर आ जाएगा एक्जैक्टली। और ये मान लीजिए हम किसी मेटल को चार्ज दे भी रहे हैं, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर हम दे भी रहे हैं, तो वो प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि वो सारा चार्ज नेट चार्ज इनसाइड जीरो हो जाएगा और सारा का सारा चार्ज ऑन द सरफेस आ जाएगा, ठीक है, द चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, सपोज मेरे पास एक मेटल है, ओके और मैंने उसमें केविटी मतलब कि उसको काट के थोड़ा सा पार्ट उसको बाहर निकाल दिया है, ओके तो मेरे पास अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, कि सपोज इस तरह से मेरे पास एक पूरा मेटल था, ओके मेटल या कंडक्टर मान लीजिए, और इसका कुछ पोर्शन मैंने यहाँ पे केविटी बना दिया इस तरह से, ठीक है, मैंने क्या बना दिया केविटी, मतलब थोड़ा सा पार्ट काट के उसको मैंने बाहर निकाल दिया, ओके तो होगा ये देखो, जितना भी चार्ज होगा वो सरफेस पर गाइड करेगा, ठीक है, सपोज जितना भी चार्ज है वो तो सरफेस पर, लास्ट पॉइंट में पड़ा हुआ कि ऑल द चार्ज डिसाइड ऑन द सरफेस, में तो पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ रहेगा, पॉजिटिव ऑन द सरफेस ऑफ, ओके अब क्या होगा बेटा देखो, अगर मान लीजिए मैं जूम करूँ कि कैविटी के अंदर मैंने कोई एक्सटीरियर चार्ज नहीं रखा हुआ है, कैविटी के अंदर अगर मैंने कोई एक्सटीरियर चार्ज नहीं रखा हुआ है तो जो कैविटी होगी यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विल बी जीरो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी inside the cavity of a conductor is zero, ठीक है, net जो electric field होगा, net electric field inside the cavity of the conductor वो zero होगा, और ये important point इसलिए है क्योंकि एक topic है इस पर depend मैं भी आपको introduce करवाऊंगा, that is electrostatic shielding, वो इसी पर depend है, पहले इसको अच्छे से समझो, देखो मान लो कि किसी भी metal को मैंने बाहर यानी कि exterior एक्सटीरियर इंटरनल फील्ड में रख दिया, ठीक है, और उसमें एक होल है या उसमें एक कैविटी है, ठीक है, और कैविटी के अंदर जाकर के आप आराम से बैठ सकते हो क्योंकि वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फील ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी, शील्डिंग क्या मतलब किसी चीज से अपना बचाव करवाना, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इसी टॉपिक पर डिपेंड करती है, दैट इज नेट फील्ड इनसाइड द कैविटी ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो, ठीक है, अब देखो इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो अब इसी टॉपिक पे इसी कंसेप्ट पर एक टॉपिक है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, प्रॉपर्टी हमारी हो गई लगभग इसी प्रॉपर्टी मुझे आपको बता देती, ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग जो कि इसी पर डिपेंड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग हमने बोला कि कैविटी के अंदर जो नेट फील्ड होगी वो जीरो होगी, तो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है, ये टॉपिक हमारा हो गया बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कभी कभी काफी ज्यादा तूफान आता है
तो ये सलाह दी जाती है कि आप कार में बैठो, अगर आपके पास कार है तो, रेदर देन कि आप किसी पेड़ के नीचे जाओ या खुले ग्राउंड में या हो, ठीक है। क्यों ऐसा कहा जाता है, उसका रीजन है, देखो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रो स्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रो स्टैटिक फील्डिंग मतलब क्या, खुद का किसी चीज से बचाव करवाना, ठीक है, इलेक्ट्रो स्टैटिक फील्डिंग। तो मैंने बोला कि इनसाइड द कैविटी ऑफ अ कंडक्टर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो इलेक्ट्रो स्टैटिक शील्डिंग क्या हुआ, अपने आप को या फिर किसी किसी स्पेस को बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना, या जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ ही ना पाए वो एक इलेक्ट्रो स्टैटिक शील्डिंग हो जाएगी, ठीक है। सपोज करो कि मेरे पास एक केस है, ठीक है, केस मतलब पिंजरा, ये किसका कैसा है, मेटलिक केस है, मेटलिक केस है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, टेस्ला जी गए और वो अंदर जाकर के खड़े हो गए, ठीक है। तो हुआ ये कि अगर मान लो बाहर से हम कितना भी इसका इलेक्ट्रिक करंट या फिर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस पे अप्लाई कर रहे हो और ये मेटलिक केस है, तो यहाँ पर जो अंदर पर्सन है टेस्ला जी, उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो केस है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह बिहेव करेगा, और जो बाहर की वजह से कॉज होगा, मतलब बाहर की वजह से शॉक होगा, इलेक्ट्रिक शॉक, वो इस पर्सन को, इन पर्सन को नहीं लगेगा, ठीक है। तो होगा ये क्यों ऐसा हो रहा है, देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तक आ ही नहीं पाएगी, क्योंकि नेट चार्ज की जो होगा वो ऑन द सरफेस आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी जीरो होगी, तो इट विल बिहेव एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इसकी जो इंपॉर्टेंट, देखो डेफिनेशन तो हम इस तरह से इसकी लिख सकते हैं दैट कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होगी, एक ऐसा प्रोसेस है ये कि जिसमें किसी एक पर्टिकुलर स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना जा पाए, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो जीरो हो, ऐसे एरिया को, ऐसे स्पेस को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो अब इसके एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, कि जो मैंने भी आपको डिस्कशन करा था कि अगर मान लीजिए थंडर स्टॉर्म है, काफी ज्यादा लाइटनिंग है, बरसात हो रही है, काफी ज्यादा लाइट गिर रही है, तो ऐसे में आपको सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है कि आप एक कार के अंदर बैठो, क्योंकि कार की जो बॉडी है वो मेटलिक बॉडी होती है, तो वो उस एक्सटर्नल शॉक से, उस एक्सटर्नल लाइट से आपको बचाएगी, ठीक है। अगर आप बाहर खुले में हो या मतलब पेड़ के नीचे, तो एक खतरा हो सकता है कि लाइट आप पर गिरे और रेस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है उसके बाद। तो सलाह दी जाती है कि आप कार के अंदर बैठो, वो एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह बिहेव करेगा और आपको कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा, आपने देखा होगा कुछ केबल्स होते हैं जिसको हम कोएक्सियल केबल बोलते हैं, तो उसमें आउटर लेयर की जाती है मेटलिक वायर की। वो आउटर जो लेयर है मेटलिक वायर पे, वो इसलिए की जाती है ताकि जो इंटीरियर सिग्नल उसमें आ रहे हैं वायर में, वो प्रोटेक्ट हो सके बाय द एक्सटर्नल फोर्स। मान लो किसी एरिया में काफी ज्यादा लाइटिंग हो रही है या मौसम खराब है, ठीक है, तो वो जो कोएक्सियल केबल होगी उसमें जो बाहर वाली लेयर होती है मेटलिक वायर की लेयर, वो अंदर वाले सिग्नल को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह वहां पे बिहेव करती है, ठीक है। तो दो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, ओके। अब एक चीज और देखो, मान लीजिए कि आपको एक कुछ इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट हम फिजिक्स लैब में यूज करते थे बीएससी में, तो वहां पे ये होता था कि आपको करंट मेजर करना होता था मिली मिली एम्पियर का, ठीक है, उसको हम मूविंग कॉइल, उसको हम गैल्वेनोमीटर भी बोलते हैं। तो उस गैल्वेनोमीटर में अगर आप थोड़ा सा भी करंट भेजोगे तो वो मूवमेंट दिखाता है। अब अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उसका बिहेवियर को चेंज कर देगी, क्योंकि उस पर वो फोर्स लगाएगी जो मूवमेंट वहां पर होती है। तो ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक सील किया जाता है ताकि वो रॉन्ग रीडिंग ना दे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सीलिंग की एप्लीकेशन थी आज की क्लास में, हम इतने ही करेंगे, बाकी जो चीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, कैपेसिटेंस हम मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।